हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने पर्ल कल्चर स्टार्ट किया था। तो पार्ट वन में हमने देखा था पर्ल कल्चर क्या होता है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, रियल मीनिंग क्या होती है पर्ल कल्चर की, पर्ल किसे कहते हैं और कौन कौन से ऐसे ओएस्टर्स हैं जिनकी मदद से हम पर्ल फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ ऐसे जीनस के नाम देखे थे जैसे पिनिकटाडा हो गया, उसकी सेवरल स्पीशीज़ होती हैं। तो पिनिकटाडा जीनस की सुपीरियर क्वालिटी के पर्ल्स हमें मिलते हैं, तो वो जीनस सबसे बेस्ट माना जाता है पर्ल कल्चर के लिए। अब सेकेंड पार्ट में हम कुछ आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं इंडिया में। टू जोन इन इंडियन कोस्ट आर वेल नोन फॉर पर्ल ओएस्टर्स। दो ऐसे जोन हैं पूरे इंडिया में, इंडियन कोस्ट के साइड में, जहाँ पे पर्ल ओएस्टर पाए जाते हैं और उनकी मदद से पर्ल का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ज़रूर से उसे देख लें, आपको पूरा ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि पर्ल कल्चर आखिर क्या है। फिर हम आगे उसके डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है द गल्फ ऑफ कच्छ अलॉन्ग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। तो ये जो है गुजरात साइड में पड़ता है, नॉर्दर्न कोस्ट में, गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर पर्ल्स ओएस्टर पाए जाते हैं जिनकी मदद से हम पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड इज द गल्फ ऑफ मन्नार एडजॉइनिंग द तमिलनाडु कोस्ट। तो ये तमिलनाडु साइड पे पड़ता है, वहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है जहाँ पे पर्ल ओएस्टर पाए जाते हैं। तो मेनली ये दो जोन्स थे, दो जोन्स के बारे में हमने बात करी जो इंडियन कोस्ट साइड पे हैं और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स का प्रोडक्शन हो सकता है और पर्ल कल्चर के लिए सुटेबल साइट्स हैं। फिर देखते हैं, मोस्टली पर्ल्स ओएस्टर्स आर इनहैबिटिंग ऑन द रिजेस ऑफ रॉक और द डेड कोरल्स। ओएस्टर बेड्स आर प्रेजेंट एट द डेप्थ ऑफ 10 टू 20 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 टू 16 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। जितने भी ओशियंस होते हैं तो उनकी डेप्थ में ये पाए जाते हैं, काफ़ी ओशियन के डीप में ये ओएस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। 11 से 16 किलोमीटर जो है वो शोर से साइड में होते हैं। तो ये या तो रॉक्स के रिजेस पे पाए जाते हैं और या तो डेड कोरल्स के साथ में पाए जाते हैं। तो नीचे ओशियन में ना ओएस्टर के बेड्स होते हैं, वहाँ पे ओएस्टर का कलेक्शन होता है, फिर हम ओएस्टर को बाहर निकाल के उनसे जो पर्ल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं, द पर्ल ओएस्टर्स बेड ऑफ द ईस्ट कोस्ट आर मोर एक्सटेंसिव एंड प्रोडक्टिव। जो जहाँ से ईस्ट कोस्टन एरिया अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो दो प्लेसेस मैंने बताई, दो जोन्स बताए इंडियन कोस्ट के, उसमें से जो ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे जो पर्ल ओएस्टर हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव है और काफ़ी प्रोडक्टिव भी हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में भी हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी पर्ल्स वहाँ से बनते हैं। देन दोज ऑफ वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में ईस्ट कोस्ट वाले ओएस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। दीज पर्ल्स बेड प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल्स कॉल्ड द लिंगा पर्ल्स। और यहाँ पे जो ओशियन में नीचे जो बेड होता है ओएस्टर का, मतलब ओएस्टर के कलेक्शन को ही यहाँ पे बेड नाम दिया गया है, तो वो अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं और उस अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स को हम लिंगा पर्ल्स कहते हैं। फिर देखते हैं पर्ल फॉर्मेशन, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे पर्ल फॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में पार्ट वन में ही आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया था कि असली में पर्ल फॉर्मेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फॉरेन मटीरियल के आसपास लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और इसी तरह अल्टीमेटली मोती का फॉर्मेशन हो जाता है। पर्ल फॉर्मेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना, ये हम जानते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है क्योंकि ये बाय इवेंचुअली होता है, वो उनका प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म होता है और जनरली हमें पर्ल का फॉर्मेशन मिल जाता है। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरन इन्वेडर्स पैरासाइट्स एंड ग्रेन्स और अ स्मॉल इंसेक्ट एक्सीडेंटली एंटरिंग द बॉडी ऑफ ओएस्टर। देखिए पर्ल फॉर्मेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो भी ओएस्टर्स होते हैं, देखिए मैंने बताया था कि जो ओएस्टर्स होते हैं इन्हीं की मदद से पर्ल बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर पर्ल पाए जाते हैं तो पर्ल फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। तो ओएस्टर्स जो होते हैं वो सी बेड में पाए जाते हैं, हमें ये भी पता है। तो ओएस्टर्स की एक हैबिट होती है, मैंने बताया था इनका नेचर होता है कि अगर इनकी बॉडी के सरफेस पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे सैंड का कोई ग्रेन हो, चाहे छोटा सा कोई इंसेक्ट हो, कोई भी फॉरेन इन्वेडर फॉरेन पार्टिकल उनकी स्किन पे कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो सोचते हैं, उनका ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी का कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो उस फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ लेयर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस लेयर्स को क्या मैंने बताया था,
एक्रस लेयर उन लेयर्स को कहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, विच हैपन्स टू अडेयर द पार्ट ऑफ इट्स मेंटल, ठीक है। फिर देखते हैं, द मेंटल एपिथीलियम एट वंस एनक्लोजेज इट लाइक अ सैक, और एक बार जैसे ये पूरा हमारे पास ओएस्टर है, ये फॉरन मटीरियल आया, तो एक बार इन्होंने लेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये एक बार इसको एनक्लोज कर लेते एज अ सैक। अब यहाँ पे ये सैक बन गया ना, थैला बन गया, उसी के अंदर वो फॉरन मटीरियल है, इन्होंने लेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट टू सिक्रीट द कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ नेकेयर, ये लेयर्स जो होती है नेकेयर की लेयर्स होती हैं, इसीलिए इन्हें नैक्रस लेयर कहते हैं। अराउंड इट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। एंड कम्प्लीटली एनक्लोज इट ग्रेजुअली, और फिर धीरे 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 लेयर्स प्रोड्यूस करते करते पूरी तरह से उस फॉरन मटीरियल को एनक्लोज कर देते हैं, कवर कर देते हैं। देन नेकेयर इज सिक्रीटेड कॉन्टीन्यूसली बाय द एपिथीलियल लेयर ऑफ द मेंटल, जो हमारा ओएस्टर है इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं मेंटल। तो इसी मेंटल से सिक्रीट होती हैं ये लेयर्स, जो लेयर्स फॉरन पार्टिकल को पूरी तरह से एनक्लोज कर लेती हैं। तो इन लेयर्स, ये जो लेयर्स हैं एपिथीलियल लेयर जो है यहाँ पे सिक्रीट करती है, मेंटल की एपिथीलियल लेयर्स डिपॉजिटेड अराउंड द फॉरन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ फॉरन पार्टिकल, के आसपास बहुत सारी लेयर्स जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, और अल्टीमेटली द पर्ल इज फॉर्म, और फिर फाइनली हमारा पर्ल कुछ समय बाद बन जाता है। देन वर्टिकल सेक्शन ऑफ शेल इफ कट शोज दैट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, अगर हम किसी शेल को कट करते हैं वर्टिकल सेक्शन में तो हम देखते हैं इसमें तीन लेयर्स पाई जाती हैं। देन पेरियोस्ट्रैकम आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो कि काइटिन की बनी होती है। देन प्रिज्मैटिक लेयर, ये सेकेंड लेयर होती है। देन नैक्रस लेयर, ये थर्ड लेयर होती है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और इसी लेयर को हम मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। नैक्रस लेयर को मदर ऑफ पर्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही लेयर का फॉर्मेशन करती है, और जब ये लेयर का फॉर्मेशन करेगी तो अल्टीमेटली पर्ल या मोती का फॉर्मेशन भी इसी लेयर की वजह से होता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। फिर देखते हैं, इन पर्ल फॉर्मेशन द ओएस्टर यूजुअली ब्रीड्स सेवरल टाइम इन अ सेशन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो साल में एक बार या साल में दो बार, उनका जो ब्रीडिंग होती है ओएस्टर्स की वो काफ़ी सेवरल टाइम पे होती रहती है। तो इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।